अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 504 कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लेसन 30 को स्टार्ट करेंगे। मेमोरी इंटरफेरेंस है इसके अंदर, मेमोरी चलता आ रहा है हमारा टॉपिक, और ये मेमोरी का टॉपिक जो है ना अबाउट 42 लेक्चर तक चलेगा। इंटरफेरेंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई चीज़ हम याद कर रहे होते हैं उसके दरमियान में उसके अनरिलेटेड कोई चीज़ हमारे जहन में आ जाती है, जिससे पहले की चीज़ जो होती है हम याद हमारे जहन में होती है वो हमें भूल जाती है, उसको इस चीज़ को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। हाईलाइटेड पॉइंट देखें, इनकोडिंग इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी थ्रू कोड्स। ये सारी चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नेटवर्क को भी हमने पिछले लेसन में देख लिया है। नई चीज़ यहाँ पर जो हमने पढ़नी है वो है फैन इफेक्ट। फैन इफेक्ट के अंदर एंडरसन ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या किया कि ये चार जो आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ना, डॉक्टर इज़ इन द बैंक, फायरमैन इज़ इन द पार्क, लॉयर इज़ इन द चर्च एंड लॉयर इज़ इन द पार्क। बंदे को सब्जेक्ट को कहा कि ये लफ्ज़ जो है ना इनको याद रखना है, मतलब उसको याद करवा दिए, अच्छी तरह मेमोराइज करवा दिए ये लफ्ज़। अभी आप देखिए इन वर्ड के आगे ना नंबरिंग दी हुई है, 1-1, 1-2, 2-1 और 2-2। इसका मतलब ये कि पहला जो लफ्ज़ है ना वन, पहला जो 1-1 में पहला 1 जो है वो याद जाहिर कर रहा है एक पर्सन को, और दूसरा 1 जो जाहिर कर रहा है लोकेशन को। इसी तरह मतलब पहला जो 1-1 है इसका मतलब 1 जो डॉक्टर है पहला, वो सिर्फ एक बार ही है, चारों फिक्रों में एक दफ़ा ही डॉक्टर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह बैंक भी एक दफ़ा ही। सेकंड फिक्र में 1-2 लिखा हुआ है, यानी कि फायरमैन पूरे चारों में एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, और पार्क जो है दो दफ़ा देखें, दूसरे फिक्र में भी पार्क है एंड पर, और चौथे फिक्र में भी पार्क है। इसी तरह तीसरे फिक्र में 2-1 लिखा हुआ है, 2-1 का मतलब दो दफ़ा लायर का जो लफ्ज़ है दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, दोनों आखिरी दोनों फिक्रों में तीसरे और चौथे में लायर इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद 1-1 आगे चर्च, 1-1 जो अगला वो है चर्च को जाहिर करें, चर्च जो है चारों फिक्रों में एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। अभी आखिरी फिक्रे के अंदर द लायर इज़ इन द पार्क 2-2 है, मतलब जो लायर है वो भी दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और जो पार्क है वो भी दो दफ़ा, मतलब सेकंड वाला फिक्रा देखें वो उसमें भी पार्क है और आखिरी फिक्रा जो है उसमें भी पार्क है। तो कह रहा है कि चारों सेंटेंस सब्जेक्ट को अच्छी तरह याद करवाने के बाद इनको आपस में मिक्स कर दिया। मसलन पहले फिक्र में था डॉक्टर इन द बैंक, उसने कर दिया डॉक्टर इन द पार्क, फायरमैन इन द चर्च, लायर इन द पार्क, मतलब मिक्स कर दिया। इस तरह काफ़ी सारे फिक्रे बना दिया, पर कुछ जो चारों ठीक वाले फिक्रे वो भी, और जो मिक्स किए थे फिक्रे खुद से बनाए थे वो भी, सब फिक्रे जो है ना मिक्स करके सामने उसके रख दिए सब्जेक्ट के, और उससे पूछा गया कि कौन कौन से फिक्रे जो थे उसने पढ़े थे जो देखे थे। मेन फोकस जो था एंडरसन का, उसका फोकस इस चीज़ पर था कि कितना टाइम लेता है सब्जेक्ट बताने में कि उसने कौन कौन से फिक्रे पढ़े। तो रिज़ल्ट उसने जो निकाला वो ये था कि स्पेसिफिक लोकेशन, लोकेशन दो चीज़ थी ना, लोकेशन और पर्सन दो ही थे ना, ये स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से उसने देखा अगर, तो पहला एक जिन दोनों में एक एक सेंटेंस इस्तेमाल हुआ था, मतलब कि वन सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब कि एक एक वर्ड जिस तरह ये देखे ना 1-1 लिखा हुआ है सबसे पहले फिक्रे के साथ, मतलब जो लव जो है ना 1-1 वाला फिक्रा था वो उस बंदे ने 1.11 सेकंड में बता दिया, जो 2-1 वाला फिक्रा था उसने 1.1 सेकंड का टाइम लिया। उसके बाद कह रहा है कि 1-2 वाला जो फिक्रा था वो उस बंदे ने 1.1 सेकंड के अंदर जज किया या बताया। उसके बाद जो 2-, ये देखें ये एक ये 2 है, मैं इसको और इस 2 को भी साथ मिला रहा हूँ, 2-2 पहले जो मैंने बनाया था ये 1 था और फिर ये 1 था, ये वाला 1, ठीक है 1-1 था, मतलब 1.1 मैंने जिस तरह ग्राफ के अंदर मिलाते हैं ना इसी तरह यहाँ पे बता रहा है। अभी अभी जो मैं बता रहा हूँ 2-2 वाला फिक्रा, तो इसके नीचे ये वर्ड बनता है ये वाला, ठीक है 2-2 के अंदर आता है, तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम लगा 1.22, क्योंकि 2-2 के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि लायर भी दो दफ़ा इस्तेमाल हुआ था और पार्क भी। इस वो बंदा जो कन्फ्यूज़ हो रहा था उसने इसलिए इनमें थोड़ा सा डिले लिया, थोड़ा सा टाइम लगा उसको इन फिक्रों को अलग करने के लिए। आगे फैन इफेक्ट इसको कहते क्यों हैं इस एक्सपेरिमेंट को, इसके अंदर देखें कि लायर है सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे, देखें लायर जो है ये रिलेशन में है चर्च के साथ भी, नीचे को लेफ्ट राइट साइड पे ये पार्क के साथ भी है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं लायर इन द चर्च, लायर इन द पार्क। उसके बाद जो दूसरी दरमियान में इन है, एक फैन टाइप शेप बन रही है कि तीन तरह से रिलेट हो रहा है, लायर इन द चर्च, लायर इन द पार्क। अभी दूसरी तरफ देखें कह रहा है कि फायरमैन, फायरमैन इन द पार्क, और फायरमैन जो है यहाँ पे आ जाएंगे
फायरमैन इन द पार्क, फायरमैन एक है और पार्क दो दफा इस्तेमाल हुआ, मतलब फायरमैन जो है सिर्फ एक के साथ ही रिलेट कर रहा है। यहाँ पे सेम इन्हीं की तरह, यहाँ पे जितने लफ्ज़ों को जितनी बार जो लफ्ज़ आए हैं उनको उनके साथ रिलेट कर रहा है। अब नीचे सबसे देखे डॉक्टर जो है, डॉक्टर किसी के साथ ऐसा सच रिलेट नहीं कर रहा है। डॉक्टर जो है इन द बैंक, डॉक्टर सिर्फ बैंक के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि एक दफ़ा डॉक्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, ये देखें डॉक्टर का लफ्ज़ एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ और बैंक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ एक दफ़ा, इसलिए ये डॉक्टर और बैंक किसी और के साथ आपस में किसी और के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर इन द बैंक एक दफ़ा ही आया है, डॉक्टर इन द बैंक तो ये इसी के साथ रिलेट करेगा। ये आपका मतलब कि फ़ैन नेटवर्क बनता है एक तरह का, कि दो एक चीज़ दो या दो से ज़्यादा तरह का एक फ़ैन तरह की शेप बनती है, जिसके अंदर एक चीज़ दो चीज़ों के साथ या एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ रिलेट करती है। व्यूअर्स, ये था आपका PSY504 का लेसन 30। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।